bin so weit weg. Gar nicht, ich war da nicht. Gar da nicht, ich war da. Hey, what is up guys, I am Rishi Agarwal and you are watching Rishi Gaming. So, मेरे साथ है मेरे भैया and आज first time vlogging करने वाले हैं. So, काफ़ी कमाल का experience होने वाला है. आज तक कभी vlogging किया नहीं है तो देखना, मस्ती करना यार. And sorry for the background noise. तो guys, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ आज. तो आज हम लोग लेने वाले हैं KTM या फिर कौन सा MT-15 Yamaha का. तो दोनों में से कोई एक लेने वाले हैं. तो अभी हम लोग जा रहे हैं रांची, तो बस रास्ते में है एंड रास्ता बहुत प्यारा होने वाला है. सो चलते हैं वीडियो के आगे तरफ, चलिए पढ़ते हैं. तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली हमने 25% डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है एंड रांची अभी 75% और दूर है. सो यहाँ पे काफ़ी कमाल के सीन्स है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कसम से, आपको लगेगा वाओ मतलब कहाँ पहुँच गया. झारखंड में इतने मस्त मस्त जगह है ना गाइज, आई विल प्रेफर कि आप एक बार जरूर आना, आपको स्वाद आ जाएंगे. फिर मैं पूछूंगा आपसे क्यों भाई आ गया स्वाद. चलो आपको मैं काफ़ी कमाल के नज़ारे दिखा देता हूँ गाइज एंड कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को. सो हे गाइज, आधा रास्ता हमने तय कर ही लिया था कि भैया ने एक मज़ेदार जगह पे हमें लाया घुमाने को. और गाइज बिलीव नहीं करोगे, ये जगह इतना ज़्यादा मस्त है ना गाइज, लाइक विश्वास करोगे. एक पहाड़ पे हम लोग हैं, पूरा नीचे खाई है गाइज एंड उसके आगे पहाड़, उसके आगे पहाड़, ऐसा है गाइज. तो बिग क्रेडिट गोज टू माय भैया कि इतना मस्त जगह पे घुमाने के लिए लाए हैं. तो KTM लेने जा रहे हैं और इतने मस्त मस्त जगह का आनंद उठा रहे हैं हम लोग, तो मज़ा आ रहा है गाइज, एकदम चिल मार रहे हैं. तो अभी इसके बाद मैं ऐड करने वाला हूँ, वो सब सीन्स बहुत खतरनाक है एंड आप देख सकते हो ये पूरा खतरनाक गार्डन भी है, मतलब पहाड़ पर ही एक तरह का गार्डन बना दिया गया है इन्जॉय के लिए. तो चलिए गाइज व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आप सीधा यहाँ से रांची जाके, ये सीन ऐड करने के बाद सीधा रांची जाके आपको ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग. तो चलिए गाइस ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे रांची जाने के बाद से. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आए हैं यामाहा के शोरूम में और हमने बाइक चेक किया MT-15 यामाहा का. तो हमें कुछ हद तक पसंद आया, ठीक है. और इधर नॉइज बहुत ज़्यादा है, कुछ हद तक पसंद आया. लेकिन एक बार मेरे को डुवेक भी देखना है गाइज, आई वांट टू सी डुवेक. बहुत मस्त लगा बाइक वैसे. मैं आपको एक क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा शॉट आपको ऐड करता हूँ वीडियो में. तो अब जा रहे हैं डुवेक के शोरूम पर और वहाँ देखेंगे क्या डुवेक पसंद आएगा और क्या डुवेक लेंगे हम. सो ही अवे गो गाइज, KTM फाइनली KTM देखो गाइज अंदर लगा हुआ है. चलो गाइज अब अंदर दिखाते हैं आपको. ओहो सीढ़ियाँ एंड हियर इज आवर, ये कौन सा है वो भाई. हियर इज डुवेक, KTM डुवेक 125 देखने पे है ना. सो गाइस देखते हैं कौन सा सिलेक्ट होता है. सो गाइस यहाँ रात हो चुका है, बाइक देखते देखते, बाइक तो वैसे हमने देख लिया एंड मेरे को KTM पसंद आया है. तो कल जाके लेने वाले हम लोग बाइक, कौन सा लेंगे वो. तो एंड अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोग आए यहाँ पे पंजाबी क्या नाम है पंजाबी लस्सी के पास एंड खाए हाँ हमने पेड़ीज खाया हमने और समोसे भी खाए, तो बहुत मज़ा आया. तो चलिए गाइस अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा घूमेंगे यार. हे व्हाट इज अप गाइस, गुड मॉर्निंग. और अभी फिर से सुबह हो चुका है एंड हम लोग आ चुके हैं फिर से KTM के शोरूम पे एंड डिसाइड हो चुका है गाइस कि KTM ही खरीदेंगे. कंफ्यूजन है 125 ले या फिर
200 तो उसमें ही कन्फ्यूजन है, एंड अभी भैया लोग अंदर डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ओपी वाला। एंड गाइस केटीएम आ रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कल रात को कुछ शूट कर नहीं पाया क्योंकि फिर रिलेटिव्स के घर पे था, एंड सुबह उठते उठते बहुत सारा काम था, तो अभी काम निपटा के हम लोग फिर से आए हैं यहाँ पे ड्यूब के शोरूम पे। तो चलिए गाइस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे बाइक सिलेक्शन के बाद कुछ खाने के लिए आया, बहुत ज़्यादा भूख लगा है यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूँ, वो जो बाइक है उसको अभी हम लोग लेके नहीं जाएंगे, उसको हम लोग धनतेरस में लेके जाने वाले हैं। सो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, अभी थोड़ा टेस्ट राइड वगैरह होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, करीब 4 बज चुका है, और यहाँ पे हमने डुअक 200 सिलेक्ट भी कर लिया, और मतलब कि एक तरीके से बिल विल सब कुछ हो गया है। एंड हमारा जो गाड़ी है वो हम निकालेंगे धनतेरस को, यानी कि 13 नवंबर को। तो उस दिन भी ट्राई करेंगे ब्लॉग, मतलब एक नया ब्लॉग लाएँ अगर इस ब्लॉग पर रिस्पॉन्स मिलता है तो। तो गाइज इस ब्लॉग को दबा के शेयर करो एंड लाइक कर देना यार, हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको वीडियो का शुरू में बताया था कि आप लोगों के लिए दो सरप्राइज है, तो दोनों सरप्राइज मैं पहले क्लियर कर दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे बुखार आ गया था मेरे को, लाइक सर्दी वगैरह हो गई थी। एंड दो सरप्राइजेज ये है, पहला सरप्राइज ये है कि पार्ट 5 जो है हमारा प्यार तूने क्या किया का, वो आएगा आपको अप्रोक्स परसों आ जाएगा गाइज, परसों 110% आ जाएगा। एंड सेकेंड सरप्राइज ये है कि मैं कभी भी 4-5 दिन के अंदर एक दिन लाइव आऊँगा और बहुत सारा आप लोगों के लिए गिव अवे करने वाला हूँ, तो गाइज उस दिन आना बिल्कुल भी मत भूलना। ये दो सरप्राइजेज आपको बताने थे, एंड जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, देखा ही है तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड गाइज दबा के शेयर करो यार, फर्स्ट टाइम ब्लॉग किया है, अगर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी लाऊंगा, ठीक है।